गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर इंग्लिश बुक ऑफ क्लास वन। क्लास वन की इंग्लिश की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। द इंटेलिजेंट आउल, इंटेलिजेंट मीन्स क्या होता है, समझदार। आउल मीन्स उल्लू। सा हर वीपिंग, समझदार उल्लू ने सुंदर चिड़िया को वीपिंग मीन्स रोते हुए देखा, WEEPING। ही सेड, उल्लू ने कहा, ओ माई डियर प्रीटी बर्ड, ओ मेरी प्यारी, प्रीटी बर्ड सुंदर पक्षी, यू आर वेरी एरोगेंट, ARROGANT, एरोगेंट मीन्स अहंकारी, तुम बहुत अहंकारी हो, तुम बहुत एरोगेंट हो। यू डोंट हैव एनी फ्रेंड नाउ, फ्रेंड मीन्स क्या होता है बच्चों, मित्र होता है, FRIEND, नाउ मीन्स अब। अब यू डोंट हैव एनी फ्रेंड नाउ, अब तुम्हारे पास कोई मित्र नहीं है, क्योंकि यू आर एरोगेंट, तुम अहंकारी हो, इसलिए अब तुम्हारे पास कोई मित्र नहीं है, तुम्हारे पास कोई फ्रेंड नहीं है। द बर्ड से, तब सुंदर पक्षी ने कहा, सर आई एम एक्सट्रीमली सैड, एक्सट्रीमली मतलब क्या होता है अत्यंत, सैड मीन्स दुखी, मैं अत्यंत दुखी हूं सर। What should I do this time? मुझे इस समय क्या करना चाहिए, should means क्या होता है चाहिए, do means करना, मुझे this time इस समय क्या करना चाहिए, मैं बहुत दुखी हूँ, I am extremely sad, what should I do this time, मुझे इस समय क्या करना चाहिए। द आउल रिप्लाई, तब उल्लू ने जवाब दिया, गो एंड मीट द अदर बर्ड्स, जाओ और मीट, मिलो द अदर बर्ड्स, जाओ और दूसरे पक्षियों से मिलो। लेट देम सी योर अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग फीदर्स एंड फील हैप्पी। लेट देम सी योर अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग फीदर्स, तुम अन्य पक्षियों को अपना अट्रैक्टिव मन क्या होता है लुभावना या आकर्षक, एंड चार्मिंग मीन्स मनोहर, फेदर मीन्स पंख को उन्हें देखने दो, तुम अन्य पक्षियों को अपने आकर्षक और मनोहर पंखों को देखने दो, एंड फील हैप्पी और अन्य पक्षियों को आनंद का आभास करने दो। लेट देम सी योर अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग फीदर्स एंड फील हैप्पी। द प्रिटी बर्ड फ्लू अवे इमिडिएटली, वह सुंदर चिड़िया तुरंत उड़ गई, टू द ट्री वेयर, उस पेड़ के लिए, वेयर मीन्स जहां ऑल द रिमेनिंग बर्ड्स वर सिटिंग, जहां पर कि सभी बाकी पक्षीगण बैठे थे। रिमेनिंग मतलब क्या होता है बाकी या शेष, REMAINING, रिमेनिंग मीन्स बाकी या शेष, उस पेड़ के लिए उड़ गई जहां पर कि बाकी पक्षीगण बैठे थे। सी से, उसने क्या कहा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बहुत दुखी हूं, आई वॉज वेरी रूड टू यू ऑल, रूड मतलब क्या होता है अशिष्ट, मैं तुम सभी के प्रति बहुत अशिष्ट थी, बहुत रूड थी। प्लीज बिकम माई क्लोज फ्रेंड, कृपया आप लोग मेरे क्लोज फ्रेंड, मेरे घनिष्ठ मित्र बन जाइए। आई एम विलिंग टू एंजॉय एंड प्ले विद यू ऑल, मैं इच्छुक हूँ, विलिंग मीन्स क्या होता है इच्छुक, मैं इच्छुक हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ आनंद उठाऊं और तुम लोगों के साथ प्ले खेलूं। I am willing to enjoy and play with you all, मैं तुम सभी के साथ enjoy करना चाहती हूँ और play means खेलना चाहती हूँ। सुंदर पक्षी ने क्या कहा, सुंदर पक्षी ने कहा कि I was very rude to you all, मैं तुम सभी के प्रति बहुत rude थी, बहुत अशिष्ट थी। Please become my close friend, आप लोग मेरे घनिष्ठ मित्र बनिए। आई एम विलिंग टू एंजॉय एंड प्ले विद यू ऑल, मैं तुम सभी के साथ
आनंद उठाना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ, इसके लिए मैं विलिंग हूँ, इच्छुक हूँ। मैं तुम सभी के साथ खेलने के लिए और आनंद उठाने के लिए विलिंग हूँ, इच्छुक हूँ। आपका यहाँ से अच्छा आगे और है जो है, दीज बर्ड्स बिकेम वेरी ग्लैड, दीज बर्ड्स ये अन्य पक्षी बहुत खुश हो गई। दे सेड टुगेदर, उन्होंने दे सेड टुगेदर उन्होंने साथ साथ कहा, माई डियर प्रिटी बर्ड, मेरी प्यारी सुंदर पक्षी, लेट अस कम क्लोजर टू ईच अदर, हमें अब एक दूसरे के समीप आ जाना चाहिए, हमें अब एक दूसरे के पास आ जाना चाहिए। लेट अस कम क्लोजर टू ईच अदर, हमें एक दूसरे के समीप आ जाना चाहिए। यहाँ तक पढ़ाया हूँ जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन, यहाँ से यहाँ तक हिंदी व्याख्या आपकी हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी खोल लेनी है और कॉपी के ऊपर क्या लिखना है, चैप्टर टू फ्रेंड्स मेक लाइफ गुड, मित्र जीवन को अच्छा बनाते हैं। आज का डेट डाल दीजिएगा जुलाई 28, 2020। यहाँ से यहाँ तक पहले आप लिख लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ूंगा, रुक रहा हूँ। बढ़ा जाए, ए राइट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है। पहला, द प्रिटी बर्ड, पी आर ई डबल टी वाई, द प्रिटी बर्ड वॉज रूट एंड एरोगेंट, ए डबल आर ओ जी ए एन टी, अहंकारी थी और अशिष्ट थी। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। नंबर टू, द प्रिटी बर्ड वॉज विलिंग टू प्ले विद अदर बर्ड्स, वह सुंदर पक्षी अन्य पक्षियों के साथ खेलने के लिए इच्छुक थी, विलिंग। तो दूसरा लाइन भी क्या है, दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है आपका, ये भी आपका ट्रू है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, बोल बोल कर लिखेंगे, स्पेलिंग पर ध्यान देंगे। मैं रुक रहा हूँ। अब देखिए तीसरा, द आउल एडवाइज द प्रिटी गर्ल टू गो एंड क्वारल विद द अदर बर्ड्स, उल्लू ने सुंदर पक्षी को सलाह दिया कि जाओ और अन्य पक्षियों के साथ झगड़ा करो। ये लाइन आपका क्या है, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। तो आप क्या लिख देंगे, फॉल्स, क्यू यू ए डबल आर ई एल, क्वारल मीन्स क्या होता है, झगड़ा करना, एडवाइज मीन्स क्या होता है, सलाह दिया, ए डी वी आई एस ई डी। फोर आपका क्या है, इन्वर्टेड कॉमा से शुरू है, माई डियर प्रिटी बर्ड, मेरी प्यारी सुंदर पक्षी, कॉमा, लेट्स कम क्लोजर टू ईच अदर, हमें एक दूसरे के समीप आना चाहिए। ये लाइन आपका ट्रू है। तो आप यहां से यहां तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूं। अब नेक्स्ट, अब आगे बढ़ा जाए, बी आपका क्या है, मैच, आपको मैच कराना है। पहला वर्ड क्या है, एरोगेंट, ए डबल आर ओ जी ए एन टी। दूसरा वर्ड है आपका चार्मिंग, सी एच ए आर एम आई एन जी। तीसरा आपका है रूड, आर यू डी ई। फोर आपका है विलिंग, डब्ल्यू आई डबल एल आई एन जी। और आपका फाइव है इमीडिएटली, आई डबल एम ई डी आई ए टी ई एल वाई। इधर हिंदी वर्ड्स लिखे हुए हैं, पहले में क्या है आपका मनोहर, दूसरे में है आपका अहंकारी, तीसरे में है आपका तुरंत, चौथे में है आपका अशिष्ट और पांचवे में है इच्छुक। तो आप एरोगेंट को मिलाएंगे अहंकारी से, चार्मिंग को मिला देंगे मनोहर से, आर यू डी ई रूड को मिला लेंगे अशिष्ट से, डब्ल्यू आई डबल एल आई एन जी विलिंग को मिला लेंगे इच्छुक से, और इमीडिएटली को मिला लेंगे तुरंत से। इतने को आपको मिलाना है, मैं रुक रहा हूं, यहां से यहां तक आप लिख लीजिए।
अब लिसन टू मी, आपका होमवर्क क्या रहेगा, आज जो करवाया हूँ ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स और मैच, इसको आपको अपने होमवर्क की कॉपी में री राइट करना है, बोल बोल कर लिखना है ताकि स्पेलिंग की गलती ना हो। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर बी हैप्पी, बी चेयरफुल, खुश रहिए, ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का काम आनिए, एंड मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम, अपने समय का सही प्रयोग कीजिए, दैट्स ऑल।